अरब की 10 सबसे खूबसूरत पर्न स्टार जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और क्या सच में सौरव जोशी और प्रिया ढापा के बीच कुछ चल रहा है, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके आसपास किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आखिर आपको उसकी जान बचाने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए, और कैसे हाईजैकर्स ने लाइव वीडियो बनाते हुए एक अरबों रुपयों की जहाज को पूरी दुनिया के सामने हाईजैक कर लिया, उस सीक्रेट लाइव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 12, अरब की 10 सबसे खूबसूरत पर्न स्टार जिनकी सिर्फ एक झलक से आपके होश उड़ जाएंगे। 9-10 मियां खलीफा 9-9, लूना लवली 9-8, ऑड्री रॉयल 9-7, मैडलिन मनरो 9-6, अरेबेले राफेल 9-5, किम्बर वुड्स 9-4, गैब्रियला पाल्त्रोवा 9-3, मोना आजार 9-2, जोआना एंजल 9-1, वायलेट मायर्स कमेंट में बताइए कि इनमें से आपको कौन सबसे अच्छी लगी। नंबर 11, 1980 के दशक के फेमस पंजाबी म्यूजिक स्टार अमर सिंह चमकीला की आज से 35 साल से पहले उनके फैंस के सामने उनकी और उनकी पत्नी की AK-47 से हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उनके हत्या के पीछे का राज क्या था। दरअसल माना जाता है कि उनकी हत्या जातिवाद के कारण हुई थी। अमर सिंह एक दलित थे और वही उनकी पत्नी एक ऊंची जात की लड़की थी, जिस वजह से कुछ कट्टर ऊंची जाति वालों ने ऐसा किया, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कई लोगों को मानना है कि उनकी मौत के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है, क्योंकि अमर सिंह अपने कई गानों में ऐसी बात कह दिया करते थे जो खालिस्तानियों को पसंद नहीं आती थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें कंपटीशन से हटाने के लिए किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंसान ने ही उन्हें मरवाया है, लेकिन असल में उनकी मौत किसने और क्यों की, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 10, आखिर 70 और 80 के दशक की खूबसूरत और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह अचानक कहां गायब हो गई और उन्हें ऋषि कपूर से शादी करके बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली में जाने के लिए क्या चुकाना पड़ा। आज भी लोग इन्हें 1973 की रिक्शावाला, यादों की बारात और 1975 की मूवी दीवार के नाम से याद करते हैं। एक समय पर बॉलीवुड में उनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनके पास मूवीज तो बहुत थी लेकिन समय नहीं रहता था। लेकिन जब 1979 में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से उनका हाथ मांगा तो नीतू का पूरा कैरियर ही बर्बाद हो गया। दरअसल ऋषि कपूर की ये मांग थी कि अगर नीतू उनकी पत्नी बनेगी तो उन्हें एक्टिंग छोड़नी होगी, और नीतू सिंह ने ये सोचकर उनकी बात मान ली कि अगर उनकी कुछ मूवीज फ्लॉप हो गई तो लोग हैं उन्हें वैसे भी भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने कैरियर को न चुनकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली को चुना ताकि उनकी आने वाली जिंदगी आराम से बीते, यानी ऋषि कपूर से शादी के लिए उन्हें अपना करियर चुकाना पड़ा। नंबर 9, हाल ही में सौरव जोशी और प्रिया ढापा के बारे में बहुत अफवाहें फैल रही थीं कि सौरव और प्रिया को डेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सौरव जोशी के फैन हैं तो ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जिसमें पीछे लिखा हुआ है कि विल यू मैरी मी, यानी अब ये पक्का हो गया है कि सौरव ने प्रिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। इस पोस्ट के नीचे सौरव को कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे मैक्सटर्न, दिलराज, अंकित बयनपुरिया, डीसी गेमर्स ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है, और प्रिया धापा ने भी एक हार्ट वाला इमोजी कमेंट किया है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं आखिर वो बनते कैसे हैं? दरअसल ज्यादातर बर्तन एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसलिए इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम को पिघलाकर इन सांचों में डालकर चौकोर शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इस चौकोर शेप एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से एल्यूमिनियम की पतली पतली चादर बना ली जाती है। इसके बाद इन बड़े बड़े एल्यूमिनियम के चादर को इस बड़े से कटर मशीन से बराबर बराबर हिस्सा में काट लिया जाता है। इसके बाद इन चौकोर शेप के शीट को एक और कटर की मदद से गोल शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इन सर्कुलर शेप की शीट को इस मशीन के नीचे रखकर दबाया जाता है, जिससे हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन कढ़ाइयों को फिनिशिंग टच देने के काम होता है, जिसके लिए इसके बाहर निकले हुए एक्स्ट्रा पार्ट को मशीन की मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद इसको अच्छे से साफ किया जाता है और घिसा जाता है ताकि ये बिल्कुल चमचमाते हुए नए दिखाई दे। इसके बाद इनमें हैंडल लगा दिया जाता है जिससे ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। नंबर 7, आखिर क्यों लीच यानी जोक पर नमक डालने से ये हिलना बंद कर देते हैं और कई बार इनके अंदर से खून बाहर आने लगता है। दरअसल लीच की स्किन बहुत पतली होती है और इसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब हम इसके ऊपर नमक डालते हैं
तो नमक लीच अंदर का सारा पानी चूस लेती है, जिसे हम साइंस में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और जब इसके अंदर के खून से सारा पानी बाहर आ जाता तो ये तड़प तड़प के मर जाती है, इसलिए हमें इन पर नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आपको मना किया है, तो अब आप ऐसा जरूर करेंगे। नंबर 6, आखिर इन मछलियों में से ये सफेद धुआं क्यों निकाल रहा है? दरअसल ये टूना मछली है, जिसे जापान और चीन में भी काफी ज्यादा खाया जाता है। इसलिए इन मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद इनके इंटरनल पार्ट्स निकालकर इनको फ्रीजर में रख दिए जाते हैं, ताकि ये खराब ना हो और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जा सके। यही वजह है कि इन्हें ठंडे कंटेनर्स में रखा जाता है। नंबर 5, अगर कहीं भी ये कीड़ा दिखे तो वहां से अपनी जान बचा के भाग जाना। दरअसल इसका नाम बॉम्बार्डियर बीटल है, जो खतरा महसूस होने पर अपने पीछे से शिकारी पर एक बहुत खतरनाक तेजाब फेंकता है, जिससे शिकारियों की हालत खराब हो जाती है। दरअसल इसके पीछे से जो केमिकल निकलता है, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस यानी एक उबलते खौलते पानी जितना होता है, जिस वजह से शिकारी की पूरी खाल जल जाती है। लेकिन अपने इस केमिकल से इस बीटल को कुछ इसलिए नहीं होता, क्योंकि इसके शरीर के अंदर दो अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, और जब इन दोनों चेम्बर्स के केमिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो एक चेन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिससे वो खतरनाक तेजाब बनता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके आसपास किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आपको उसकी जान बचाने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और जिसे हार्ट अटैक आया है उसे जल्द से जल्द डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन की टैबलेट देनी है। ये तीनों ही टैबलेट्स खून को पतला करने का काम करती है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो होने में मदद मिलती है, और इसके बाद खुद कुछ भी दिमाग ना लगाकर पेशेंट को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में ले जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस अस्पताल में जा रहे हो वहां हार्ट पेशेंट के इलाज के लिए सुविधाएं मौजूद हो, वरना गलत अस्पताल में जाने से बहुत समय बर्बाद हो सकता है। क्या पता कि ये बात कब किसकी जान बचा ले। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 3, यूपी के रामपुर में मौजूद ये चाकू इस दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। इसकी लंबाई 6.1 मीटर है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका वजन 800 किलोग्राम और कीमत 52 लाख रुपए है। यानी इस अकेले चाकू को उठाने के लिए 20 से 25 लोगों की जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस चाकू को यहाँ बनाया किसने? दरअसल इसे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही बनाया है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है, और अब जल्द ही इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्जा मिलने वाला है। अगर आप कभी रामपुर जाएं तो इस चाकू को जरूर देखना। नंबर 2, शाओमी ने लॉन्च कर दी है अपनी ब्रांड न्यू कार। ये है पूरी तरह इलेक्ट्रिक, यानी देगा इलॉन मस्क की गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर। इसका नाम शाओमी XU7 है, जो 210 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ सकती है, और एक बार फुल चार्ज करने पर 668 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है, जो टेस्ला की किसी भी कार से 100 से 150 किलोमीटर ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद आखिरी कंपनी को अपनी हर एक गाड़ी को बेचने पर 8 लाख का नुकसान क्यों हो रहा है? दरअसल इस गाड़ी की कीमत $30,000 यानी 25 लाख रुपए रखी गई है, जो टेस्ला कार से कई लाख कम है। और अपनी गाड़ियों को सस्ते में बेचकर शाओमी पहले पूरे इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पैर जमाना चाहती है, जैसा कि जियो ने टेलीकॉम मार्केट में किया था। यही वजह है कि शाओमी हर एक गाड़ी पर 8 लाख लॉस सह रही है। नंबर 1, क्या आपने कभी एक असली यानी बिल्कुल रियल हाईजैकिंग को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल ये बात आज से करीब 4 महीने पहले की है। 19 नवंबर 2023 को यमन के हाउथी विद्रोहियों ने रेड सी में इसराइल जाने वाली एक कार्गो शिप को इसलिए हाईजैक कर लिया, ताकि वो इसराइल से गाजा के साथ किए गए युद्ध का बदला ले सके। और इस बार हाईजैकर्स की हिम्मत इतनी थी कि उन्होंने वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाया कि वो कैसे आसानी से किसी भी शिप को हाईजैक कर सकते हैं। इस हाईजैकिंग की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में हाउथी विद्रोही है, और ये पूरा ग्रुप गन्स के साथ उतरता है और शिप में मौजूद सभी लोगों को बिना चालाकी दिखाए सरेंडर करने की वार्निंग देता है, और हाईजैकर्स आसानी से प्रॉपरली वीडियो बनाते हुए एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। हालांकि इसराइल का कहना है कि ये शिप उनका नहीं है। उस हमले के बाद से ही अब कई जहाज उस जगह से ना जाकर रास्ता बदल के जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।